अकाउंट हो चुका है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो चुका है, आज हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे बैलेंस शीट। याद है किसी को, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में आपको 6 कंपलसरी आइटम बताया था, कौन कौन सा? ओपनिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, 6 कंपलसरी आइटम थे। ठीक है, वैसे ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी 4 कंपलसरी आइटम लिखेंगे, कौन कौन सा मालूम है? बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी और क्रेडिट साइड में ओल्ड आरडीडी, यानी टोटल कितने आइटम्स हो गए? 10। वापस बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी कितने आइटम्स लिखते थे? 6। कंपलसरी आइटम करेंगे तो कंपलसरी आइटम में क्या था? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग 4 कंपलसरी आइटम लिखेंगे, कौन कौन सा? बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी और क्रेडिट साइड में ओल्ड आरडीडी, यानी 4 आइटम हम लोग लिख के रखेंगे। आया तो लिखो, नहीं आया तो डैश मार के आगे बढ़ने का। ठीक है, बैलेंस शीट में भी कंपलसरी आइटम लिखोगे। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट का कंपलसरी आइटम देखो क्या है बेटा। बैलेंस शीट में दो साइड बनता है, एक बनता है लायबिलिटी साइड, दूसरा बनता है असेट साइड। बेटा लायबिलिटी मतलब क्या होता है? कर्जा, और असेट मतलब होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के अंदर 3 कंपलसरी आइटम लिखोगे। कितने आइटम्स? 3। पहला बेटा आएगा आपका कैपिटल, क्या आएगा? कैपिटल मतलब क्या होता है? बिजनेस में लगाए गए पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल। बिजनेस में लगाए गए पैसे को हम लोग कहते हैं कैपिटल। कैपिटल में क्या करोगे? अपना ड्रॉइंग माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? यानी अगर आपने कुछ भी चीज पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकाला है तो उसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस। कैपिटल माइनस ड्रॉइंग, माइनस करके एक अमाउंट आएगा। अब इस अमाउंट के बाद आपका नेट प्रॉफिट प्लस होगा। सर अगर मुझे नेट लॉस मिला तो क्या करूँगा? माइनस। यानी या तो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो क्या मिलेगा? नेट लॉस। क्वेश्चन में या तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो क्या मिलेगा? नेट लॉस। नेट प्रॉफिट प्लस होगा, नेट लॉस माइनस होगा। समझा क्या? हाँ ना, ये मोटा मोटा हिसाब है। कैपिटल में से ड्राइंग क्या करना क्या है? माइनस। कैपिटल में से ड्राइंग क्या करोगे? माइनस। नेट प्रॉफिट प्लस, नेट लॉस माइनस। नेट प्रॉफिट प्लस, नेट लॉस माइनस। ठीक है, ये सब करके आप लोग को ये करना है। मतलब प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक मिलेगा, दोनों साथ में मिलता नहीं है। और असेट साइड में आपको बीच में या कहीं पर भी आप लिखो क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखोगे बेटा? सर ये आइटम तो हम लोग वहां पर भी लिखते थे। कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेरी गुड, यहां पर भी आपका आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वो क्यों आएगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यानी एडजस्टमेंट में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कितने कंपलसरी आइटम हो गए? 4, है ना? कितने हो गए? 6। कौन कौन से? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 6 आइटम ट्रेडिंग अकाउंट का। 4 आइटम किसके? प्रॉफिट एंड लॉस के। कौन कौन सा? बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। सिंपल। अब ये माइनस का, फिर बैलेंस शीट के अंदर 3 कंपलसरी आइटम, कौन सा? कैपिटल माइनस ड्रॉइंग, ये तो हो गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट ऐड करना है, नेट लॉस माइनस। नेट प्रॉफिट ऐड करना है, नेट लॉस माइनस। और असेट साइड में आपका क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा? ये आपके कंपलसरी आइटम्स हो गए। सर कंपलसरी मतलब हर क्वेश्चन में इतना तो लिख के आने का, तो 15 में से आपको कम से कम 4 या 5 मार्क तो आराम से मिल जाएंगे। क्लियर? अब कर्जा क्या क्या हो सकता है, कैपिटल क्या क्या हो सकता है, देखो जरा लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा अदर देन कैपिटल। ठीक है, कर्जा मतलब क्या होता है? आपने लोन लिया वगैरह रहेगा तो आपको वो लौटाना पड़ेगा। तो बैंक लोन सुना बेटा? क्या था बैंक लोन? बैंक से लिया गया कर्जा, उसको क्या बोलते हैं? बैंक लोन। अगर सपोज आपने किसी से काम करवाया है, उस पैसे को आपने दिया नहीं है। क्या बोला मैंने? आपने किसी से काम करवाया है और आपने उसका पैसा नहीं दिया है तो उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग, मतलब देना बाकी है। लाइट बिल आपके घर में आ गया, आपने उस लाइट बिल को नहीं भरा तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे? यानी वो कर्जा आपके सर के ऊपर आ गया कि आपको वो लाइट बिल भरना पड़ेगा, तो किसको बोलते हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग पेएबल बोलते हैं, एक्सपेंसेस पेएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस पेएबल।
एक्सपेंस पेबल बोलते हैं, ठीक है। इस पेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस पेबल, यानी खर्चा किया नहीं करना बाकी है, दिया नहीं है देना बाकी है, क्लियर। उसके अलावा और क्या क्या आ सकता है, उसके अलावा और क्या क्या आ सकता है, और क्या हमारे लिए कर्जा हो सकता है, ठीक है। बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, सुना है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आप लोग के पास करंट अकाउंट है, आपके पास आपके अकाउंट में 10,000 रुपया था, आपके अकाउंट में कितना पैसा था, 10,000, आपने किसी को 12,000 रुपये का चेक दिया, तो क्या चेक क्लियर होगा, नहीं होगा, सीधी बात है। लेकिन अगर आप बिजनेस अकाउंट चलाते हो, जिसको हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जिसके वजह से आपका वो जो 12,000 का चेक है वो क्लियर होगा, लेकिन आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस 2,000, क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 2,000 रुपया इसका मतलब बैंक को आपको देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आप बैंक को क्या करो, 2,000 रुपया दोगे, इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लियर। आपका कोई सप्लायर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं, क्या बोलते बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर, जिसको हम लोग क्या बोलते, सप्लायर होता है, ये कौन होता है हमारा सप्लायर, तो ये हमको उनको पैसा देना है, हमें उनको पैसा देना है, तो इस तरीके के एक्सपेंसेस क्या माने जाएंगे आप, क्या इस तरीके के आइटम्स को हम लोग बोलेंगे लाइबिलिटीज, क्या बोलेंगे, लाइबिलिटीज। अब असेट पे आओ बेटा, असेट पे क्या क्या जो दिखता है, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असेट्स, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉब्लम, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फर्नीचर देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके बाद मोटर वैन, मोटर वैन, आपका कंप्यूटर, एसी, क्या हो सकता है, असेट हो सकता है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको दिखती नहीं है लेकिन वो आपके लिए असेट है, जैसे गुडविल, गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ये भी आपके लिए क्या है, गुडविल है, गुडविल मतलब बिजनेस का असेट, आपके कंपनी का लोगो होता है या पेटेंट होता है, पेटेंट मतलब कंपनी का कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, लोगो होता है, ये सब आपके लिए क्या, असेट्स है। कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर सुना है बेटा, जैसे आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हो ना व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप क्या है, सॉफ्टवेयर है। फेसबुक का क्या, वो एप्लीकेशन का जो लोगो है वो मेरा क्या है, लोगो, लेकिन जो आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो क्या है, सॉफ्टवेयर है, फेसबुक के पास उसी का पैसा आता है, वो सॉफ्टवेयर है उसका, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे, उसके अलावा स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने लिखा वो स्टॉक होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका अगर बिल्स रिसीवेबल, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ना, बिल्स बैंक लोन है, वैसे हमने किसी को लोन दिया रहेगा, किसी को लोन दिया रहेगा तो वो असेट माना जाएगा। उसके अलावा बिल्स पेबल, क्या बोला मैंने, बिल्स पेबल, बेटा बिल देना है ना, बिल का पैसा देना है तो क्या माना जाएगा, बिल्स पेबल। वैसे हमारे लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, किसी से पैसा लेना है तो बिल रिसीवेबल, किसी को पैसा देना है बिल के जरिए, बिल्स पेबल, अरे समझा, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, तो वैसे आएगा बेटा सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स मतलब बेटा कौन होता है, कस्टमर, डेटर मतलब कौन होता है, कस्टमर, ठीक है, क्लियर। उसके अलावा आपका जो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस, कैश बैलेंस, और आपका बैंक बैलेंस, ये सब आपके लिए क्या माने जाएंगे, असेट माने जाएंगे, क्लियर। ये सब आपको करने क्या था, आपको ये बैलेंस शीट क्या करनी है बेटा, टैली सर, टैली का मतलब क्या होता है, दोनों साइड आपका क्या आना चाहिए बेटा, सेम आना चाहिए। अगर आपका दोनों साइड सेम आता है तो इसका मतलब बैलेंस शीट आपका क्या है, करेक्ट, यानी आपका पूरा का पूरा सम क्या है, सही है, समझा क्या, वापस बोला, बैलेंस शीट मतलब क्या, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वापस बोला बेटा, बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ अकाउंट, वापस बोला, यह अकाउंट नहीं है, क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शोइंग क्या दिखाता है, शोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज, क्या दिखाता है बेटा, असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फर्म,
फॉर्म मतलब बिजनेस का वो क्या दिखाता है, असेट्स दिखाता है और लायबिलिटीज दिखाता है, क्लियर। असेट क्या, बिजनेस के पास कितना प्रॉपर्टी है, बिजनेस के सर के ऊपर कितना कर्जा है। लेकिन बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम इक्वल होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपका सम कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर सॉरी पेज नंबर 306, पेज नंबर 306 देखो, दिख रहा आइटम्स है ना, वो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। नॉर्मली आइटम्स हम लोगों ने कवर किए हुए, मैक्सिमम आइटम्स हम लोगों ने क्या किए हुए, कवर किए हुए है। प्रॉब्लम, चलो फटाफट पहले बैलेंस शीट लिख के ले लो।